हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए कोला कबाब्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आनी है। तो चलिए साथ में बनाते हैं कोला कबाब्स। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज, इसे मैंने इस तरह से चॉप्ड काट लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत सारी लहसुन की कलियां, इसे भी चॉप्ड काट लिया है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी चॉप्ड काट लिया है। 5 से 6 हरी मिर्च, इसे भी चॉप्ड काट लिया। अब मैं इसमें नमक, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। नमक आप हमेशा अपने स्वाद अनुसार लें। ये सूखा हुआ पपीता का पाउडर है, आप चाहे तो कच्चा पपीता भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। ये मैंने छोटी इलायची पाउडर लिया है ताकि एक अलग सा टेस्ट आए। 1 नींबू का रस, 1 कुटी हुई काली मिर्च। अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी को क्रश करके डालूंगी, आप चाहे तो सूखे हुए पुदीना का पत्ता भी ले सकते हैं। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में 2 चम्मच घी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है हमारा कीमा। अब हम इसे मिनिमम 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, आप चाहे तो रात भर रख सकते हैं इसे फ्रिज में। तो यह हमारा मटन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे एक पाइप की सहायता से इस तरह से गोल गोल घुमा के सारा कबाब बना लेंगे, आप चाहे तो पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे जरूर घर में ट्राई करें। इस तरह से मुझे तो बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 10 कबाब्स बना लिए हैं। तो चलिए इसे मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने पहले से एक बर्तन में तेल गरम कर लिया था, अब मैं इसे सारे कबाब इसमें डाल दूँगी। कबाब धीरे 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 फ्राई हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कि हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। इसे मैं दूसरी तरफ से भी रख देती हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। मेरा घर पूरा महक चुका है कबाब की खुशबू से, बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा चम्मच चला देते ताकि ये पूरी तरह से फ्राई हो जाए, जिस साइड में थोड़ा सा कच्चा है। तो देखिए हमारा कबाब फ्राई हो चुका है। मैंने एक बर्तन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने एक छोटा साइज का टमाटर, 1/2 कैप्सिकम और इस तरह से प्याज काट के मैं थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूँगी। इसे मैं कबाब के साथ सर्व करूँगी। फ्राई सब्जियों के साथ कबाब बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे थोड़ा सा चम्मच चलाना, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, बस थोड़ा सा, इसे कच्चा ही रखें। तो हमारा यहाँ कबाब सर्व हो चुका है। यहाँ पे मैंने हरी चटनी के साथ इसे सर्व किया है। इसे मैं अब आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से कैसा है।
कैसा लगा आप लोगों को अब मेरी आज की रेसिपी? अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब।